बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको भाई आज का रियाल का और डॉलर का रेट क्या है पाकिस्तानी रुपीस के लिहाज से, उससे आपको अपडेट कर देता हूँ मैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ूंगा इसके मुतल्लिक, मैं आपको रेट भी यहाँ पर बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ रहा हूँ, थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हो रहा है। अच्छा, अभी कुछ भाई मुझे मेरी वीडियो देखकर ये सोचेंगे या कमेंट करेंगे भाई के डॉलर का रेट नीचे आना चाहिए, तू यार ये बढ़ रहा है या रियाल का रेट बढ़ रहा है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है। एक तो हम सऊदी अरब में मुकीम है भाई, हमें इससे फायदा होगा अगर ज्यादा होगा। मैं मानता हूं पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, ये इन चीजों की यानी कि डॉलर का रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अभी डॉलर का रेट कम हुआ है जी 5-6 रुपए, आपको पता है जी ये कुछ दिनों में। तो कौन सी भाई महंगाई रुक गई है, महंगाई तो फिर ज्यादा हुई है 8.5 रुपए या 8 रुपए पेट्रोल वगैरह या इसके इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको पता है जी मजीद महंगी हुई है, हालांकि डॉलर तो सस्ता हुआ था, तो महंगाई तो रुक नहीं रही है। तो भाई इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ कि अगर रियाल का रेट बढ़ जाए तो हम परदेशियों को यहाँ पर मुकीम हैं पीछे बैठी हुई फैमिलीज हमको फायदा है इससे। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको दिखा रखा हूँ जी डॉलर का रेट, पहले दिखा दूंगा आपको मैं। 170 रुपए 15 पैसे हो चुका है जो कि 171 रुपए 1 पैसा ही था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 170 रुपए 15 पैसे हो चुका है। तो इससे आगे अगर रियाल के रेट के मुताबिक बात करें तो 45 रुपए 36 पैसे हो चुका है, आप देख सकते हैं जी। अच्छा, ये अभी मैंने आपके साथ 2 दिन पहले ये वीडियो शेयर की थी, उसमें 45 रुपए गालबन 14 पैसे था या 21 पैसे था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 45 रुपए 36 पैसे हो चुका है, यानी कि इसमें 5, 10, 20 पैसे का ज्यादा या कम होता रहता है वक्त के हिसाब से, जब आप वीडियो देख रखे हो या भाई किस टाइम के लिहाज से, आपको पता है ये रेट अप डाउन होते रहते हैं। तो ये आज का डॉलर का और रियाल का रेट था जिससे मैंने आपको अपडेट कर दिया है।